हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पॉइंट। आज वीडियो लेक्चर बीएड पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करिया सेकंड पार्ट। तेज आसतु आलोचना करिया प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन टी हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यही क्वेश्चन चारोटी ऑप्शन दी। प्रथम क्वेश्चन टी बुझे क्वेश्चन ऑप्शन को तर्जमा करियो, क्वेश्चन सठिक आंसर टी कौन हो ताऊपर डिस्कशन करियो। यही चारोटी ऑप्शन मानों को भीतरु को राइट फंडामेंटल राइट रू डिलीट करा जाय छ। ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एवं यही क्वेश्चन रो सठिक उत्तर टी हूँ राइट टू प्रॉपर्टी। तेणु आठ आलोचना करिया फंडामेंटल राइट्स विषय। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए, कारण प्रथम थर पर 1215 मसीह इंग्लैंड राजा जॉन रिटिन डॉक्यूमेंट फंडामेंटल राइट्स विषय रिटिन डॉक्यूमेंट प्रणयन करते तेणु ताक आखि आगे रखी फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाए। भारत जितेबाला संविधान प्रणयन करागला सही समय टोटल सातोटी फंडामेंटल राइट्स थिला, सातोटी फंडामेंटल राइट्स थिला। सही राइट्स गुड़ी कहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तेणु यही सातोटी फंडामेंटल राइट्स भितर 44th amendment 1978 रे राइट टी प्रॉपर्टी टाको डिलीट करा गला। तेणु वर्तमान सातोटी राइट रु केवल छोटी फंडामेंटल राइट्स भारत संविधान रे मेंशन कर दिए छि। एवं फंडामेंटल राइट टी पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु 35 रे मेंशन कर दिए छि। तेणु सठिक उत्तर टी हेबो राइट टू प्रॉपर्टी। आसंतु देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान रे केतोटी आर्टिकल रही अछि। तेणु जेतेबेले संविधान प्रणयन करागला सही समय रे टोटल आर्टिकल थिला 395। तेणु एही क्वेश्चन रो सठिक उत्तर टी हेबो 395। तेणु देखिवा आर्टिकल सहित किसी गोटे आर्टिकल को नहीं आम पार्ट गठन करेणु जो भारत संविधान पालन करागला से ही समय रे पार्ट 22टा थिला, किंतु पर मुहूर्त वर्तमान पर्यंत वर्तमान समय रे 25टे पार्ट रही अछि। एवं शेड्यूल 8टी थिला, वर्तमान एमेंडमेंट माध्यम रे एड करी टोटल शेड्यूल संख्या होछि 12। तबे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आलोचना करिया व्हिच फंडामेंटल राइट्स गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस। यही चारोटी ऑप्शन मानक मध्यरु को फंडामेंटल राइट्स रे फ्रीडम ऑफ प्रेस विषय रे मेंशन करा जाय छ। तनो देखिया फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्वेश्चन रे आलोचना करलु जे टोटल फंडामेंटल राइट्स होउछि 6टी फंडामेंटल राइट्स वर्तन अछि। एवं से 6टी फंडामेंटल राइट्स भितर राइट टू इक्वालिटी होउछि आर्टिकल 14 रु 18, राइट टू फ्रीडम होउछि आर्टिकल 19 रु 22 भितर मेंशन कराइ छि, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एवं 24 रे मेंशन कराइ छि, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रु 28 भितर मेंशन कराइ छि। एवं तापर आ जो दुईटी राइट्स राइट्स रहिला एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ताहा आर्टिकल 29 एवं 30 रे मेंशन करा जाय छि। एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 रे मेंशन करा जाय छि। एवं एही आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर जाको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहितौ ताकू
हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई चंद हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नो यही क्वेश्चन का सही उत्तर टी है वो राइट टू फ्रीडम कारण राइट टू फ्रीडम रो प्रथम पार्ट रे राइट टू फ्रीडम टा हमरो आर्टिकल 90 रु 22 भीतर रही छि छि आर्टिकल 19 भीतर 19 रो प्रथम पार्ट सेठी मेंशन करै छी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर रे फ्रीडम ऑफ प्रेस आसु अछि तो एहारो सठिक उत्तर टे हो राइट टू फ्रीडम तबे आसंतु आलोचना करिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात आर्टिकल 368 रे भारतर संविधान रे को विषय रे उल्लेख करा जाय अछि एठारे चारोटी ऑप्शन मेंशन कराई छी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन इलेक्शन कमिशन एवं एही क्वेश्चन रो सटीक उत्तर टे होउछि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन त देखिबा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन कोन रही छी एहा बोरोड करा हेतिला साउथ अफ्रीका रो त आर्टिकल 368 अंडर रे दुईटी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट रही अछि प्रथम प्रोसीजर टी स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी एही स्पेशल मेजॉरिटी रे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आदि सब अमेंडमेंट करा जाय थे एवं आउ गोटिए प्रोसीजर रही अछि स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विथ रेटिफिकेशन बाय स्टेट ता माने होछि स्पेशल मेजॉरिटी सहित स्टेट मानकर मध्य सहमति दरकार एवं एही अमेंडमेंट प्रोसीजर द्वारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट सेवेंथ शेड्यूल आदि सब अमेंडमेंट करा जाय तनो देखिवा प्रथम ऑप्शन रे जो मेंशन कराय छी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एहा आर्टिकल 54 रे वर्णना करा जाय छी इमरजेंसी प्रोविजन एवं एहा आर्टिकल 352 रो 360 भीतर मेंशन करा जाय छी एवं एही इमरजेंसी प्रोविजन को हमें तीन भाग रे भक्त करि परिबा आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मध्ये कहि थाउ एवं तृतीय इमरजेंसी टे होउछि 360 जहा को हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी मध्ये कहि थाउ एवं इलेक्शन कमिशन एको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एहा पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 भीतर मेंशन कर जाय छ तबे आसंतु आलोचना करबा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रथम ऑप्शन मेंशन कर जाय छ लोकसभा एंड राज्यसभा सेकंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा एंड लोकसभा तृतीय ऑप्शन प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा एवं लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव पार्लियामेंट रो कंपोनेंट्स गुड़ी को कौन कौन एवं यही क्वेश्चन रो सटीक उत्तर टे होउछि ऑप्शन सी प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट राज्यसभा एवं लोकसभा को ने गठित होई अछि राज्यसभा को हमें अपर हाउस मध्ये कहिथौ लोकसभा को हमें लोअर हाउस कहिथौ राज्यसभा टोटल मेंबर संख्या हो जंती 245 एवं से 245 मेंबर मान को मध्ये 233 मेंबर स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करंती एवं 12 जन मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होई थांती जो 12 जन मेंबर विभिन्न फील्ड रे एक्सपर्ट थांती एवं लोकसभा रो टोटल मेंबर संख्या हो जंती वर्तमान 545 सही मेंबर मान को भीतर 543 जन मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड होंती एवं 2 जन मेंबर बिलोंग करंती एंग्लो इंडियन कैटेगरी तनो एही क्वेश्चन रो सटीक उत्तर दे होची प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा आसंतो आलोचना करिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एही क्वेश्चन रो अर्थ होची पार्लियामेंट रे जॉइंट सिटिंग रे सभापतित्व के करंती आरो चारोटी ऑप्शन मेंशन कराई छी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा
ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କିଏ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଡକାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପାସ୍ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା। ଯଦି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଯଦି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଆବସେନ୍ସ ରୁହନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂଟି ଆର୍ଟିକିଲ 108 ବା 108ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ବାଇ ଏ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବାଇ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ। ଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ 543 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ଓଭରଅଲ୍ 273। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେହି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ 273 ଜଣ MP ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ବା ସେହି ମେଜରିଟି ପାର୍ଟିର ଲିଡର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନନ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା। ଏହି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଏମ୍ ଏ ଆୟଙ୍ଗର, ଜି ଭି ମବଲାଙ୍କର, ସର୍ଦ୍ଦାର ହୁକୁମ ସିଂ, ଏନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି। ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜି ଭି ମବଲାଙ୍କର। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ସ୍ପିକର। ଲୋକସଭା ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୟର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ପିକର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପାର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆକାରରେ ମେମ୍ବର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।